वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अलीशा। अलीशा क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ FSC। वेरी नाइस। क्या बनना चाहती हो? मैं मेडिकल में जाना चाहती हूँ। गुड। मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो कभी नहीं थकती, जितना मर्जी पैदल चले? चूहे। थक जाते हैं वो तभी तो सोते हैं। आई डोंट नो। शूज़ कहाँ से लिए? शूज़ मैंने स्टोर से लिए। अच्छे हैं ना? डिफरेंट से? जी बिल्कुल, मेडिकेटेड हैं ये। अच्छा जी। मेरे पांव बहुत दर्द करते थे तो मैंने ये लिए शूज़, और अब जेल वाले हैं पूरे। मैं दिखाऊँ आपको? हाँ। पांव क्यों दर्द करते थे? ये पांव मेरे दर्द करते थे काफ़ी, एड़ियाँ ना मेरी। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा, मेरा काम भागने वाला होता है, मैं बहुत भागती वगैरह। स्पोर्ट्स में हो? जी। तो मैंने ये ड्राइनेस की वजह से तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स। अच्छा। और सब काफ़ी स्वेलिंग वगैरह हो जाए। ठीक हो गए? जी। मैंने ये काफ़ी जेल वाले हैं ये। क्या कॉस्ट है इसकी? 8000 है, और 4000 के में मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि अगर लोगों ने लेनी हो तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। किस किधर आम मार्केट से मिल? किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे, पर अच्छा स्टोर हो, कोई गारंटी हो जी। चलें, जिन लोगों के पाँवों में दर्द होती है, पाँव दर्द करते हैं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगे हैं। चलें तो बहुत अच्छी बात है। और आप क्या सुनाएंगे? पोइम सुनाते। चलें सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके। थैंक यू। ये मैंने जूतों वाली बात पे दिया, ट्विंकल में तो मैंने माना था जी। बड़ी क्यूट सी लड़की थी और बताया पाँवों का दर्द होता है उसको, तो उसने जब से ये जूते जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं तो उसका जो दर्द है वो ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी, जिसके भी पाँव में दर्द है वो ज़रूर ये जाके बाय कर सकते हैं ताकि उनका पेन ख़त्म हो जाए। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? सबा। क्या करती हो? टीचर हूँ। ओके, मुझे बताओ, सवाल है तुमसे मेरा। एक बंदा था ठीक है, उसके घर में एक चौकीदार था, उसने आके बताया, मालिक मैंने रात को ख्वाब में देखा कि आप जिस जहाज़ से जा रहे हैं ना वो क्रैश हो गया, आप ना जाए। वो नहीं गया। शाम को उसने टीवी पे उसी जहाज़ के क्रैश होने की खबर सुनी, उसने उसको बुलाया और उसे काफ़ी नाम दिया, अप्रिशिएट किया और उसको नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, नौकरी से क्यों निकाला? नौकरी से जहाज़ क्रैश हो गया था, ये बात ठीक थी? अच्छा, तो उसने इस वजह से ही निकाला होगा नौकरी से। वैसे तो उसने उसका फ़ायदा ही किया है, लेकिन उसे नौकरी से क्यों निकाला, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। उसने ये सोचा होगा कि इसने सिर्फ मतलब मीडिया में क्यों नहीं बताया, ओपन करता ये बात निकालने वाला। ये तो जान बचाई ना, उसको तो अपने से मकसद होना, या फिर कुछ तो उसने ऐसा सोचा होगा ना। तो वो क्या सोचा है जो आपने बताया? ये मेरे ख्याल से तो उसने ये सोचा होगा, यही बात अगर वो लाइव थोड़ा कुछ बोल देता तो एक के बजाय इतनी सारी जाने बच जाती। तो मालिक भी बता देता? मालिक भी तो बता सकता था ना, उसको तो बता दिया ना, वो जाके कह देता। मालिक है ना, पता है मालिक में प्राउड भी होता है, एटीट्यूड भी होता है, उसने नहीं ये सोचा होगा। चले, नहीं गलत जवाब। क्या सुनाएंगे? कुछ भी सुन लें आप, है ना, जो मर्जी सुना दें। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, ये प्यार ना होगा कम, मेरी चाह तू चाहती है हर पल तुझे चाहती हूँ, तेरे सिवा किसी का नहीं सोचती मैं, चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम, मर के भी ना होगा ये प्यार कभी ना कम। रेसिपी शेयर कर दूं? मैं ऐसा कराची से आई हूं और मुझे ऐसा लगता है मैं जब से यहाँ आई हूं ना, या मैंने यहाँ कराची जैसी बिरयानी नहीं यहाँ पे खाई। लाहौर की बिरयानी का टेस्ट और कराची की बिरयानी का टेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं बस यही कहना, मतलब यहाँ की बिरयानी में अचार होता है और ऐसे पुलाव वाला टेस्ट होता है और सब इसको यहाँ पर बिरयानी कहते हैं, और वही मैं कराची में जो अगर हम बिरयानी खाएँ ना तो उसका टेस्ट टोटली 100% चेंज होता है। तो उसकी मैं रेसिपी शेयर करूंगी। आई डोंट नो कि वो भी यही रेसिपी करते हैं। पहली बात कि हमारे कराची में जो अचार डालते हैं वो पुलाव में होता है, और यहाँ वो एज अ बिरयानी कंसीडर करते हैं कि बिरयानी में अचार डालें। तो कराची के अगर हम मुंबई बिरयानी की बात कर लें
तो उसमें सबसे पहले जैसे हम प्याज डालते हैं, ठीक है, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करके उसे में आप टमाटर फ्राई कर लो। टमाटर फ्राई करने के बाद उसको अच्छी तरह से फ्राई करके उसमें चिकन डाल दो। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करके उसके अंदर आप मसाला डाल दें, और जो है जो बिरयानी मसाला होता है वो डाल दें। अगर आप घर के मसाले बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें जो है हरी मिर्चें और लेमन और जो डिफरेंट होता आलू बहारा, जितना आप उसको अच्छा टेस्ट देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छी तरह से उसको फ्राई करें, और उसके बाद आप जो है उसमें अच्छी तरह से फ्राई करके आप उसको जो है साइड पे कर दें, और चावल अलग से बॉईल कर लें। अलग से बॉईल करने के बाद आप लास्ट में उसकी जो है ना तह लगा दें। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालें, फिर उसके बाद थोड़े से चावल डालें, पुदीना डालें, लेमन डालें, और थोड़ा सा आप उसमें कोई चटपटा अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई भी आप चीज़ उसमें डाल दें। अचार नहीं डालें क्योंकि कराची की बिरयानी में अचार इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद आप उसमें मसाला डालें, इस तरह उसके तीन लेयर्स लगा दें। तीन लेयर्स लगाने के बाद आप जो है ऊपर जर्दे का रंग अगर आप देना चाह रहे हो, लाइट लाइट सा जो है आप उसमें जर्दे का रंग भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो है आप उसमें अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़, जैसे अब हम चिकन बिरयानी टिक्का फ्लेवर में अगर करेंगे तो टिक्का में ये होगा कि आपने चिकन को जो है, मैं दो रेसिपी बिरयानी की एक साथ बता रही, सारा मेथड यही है, लेकिन टिक्का में सिर्फ ये करना होता है उसमें लास्ट में मसाले में जो आपके वो जो होते हैं कोयला, उसको अलग से आपने जो है ना गरम करके ना वो जो होता है पकड़ने वाला, उसे अच्छी तरह से करके आप उसको जो है धुआं दे के ना फौरन उसके अंदर जो दम वाली आपने मसाला बनाया होगा उसके अंदर लगा दें। उसके अंदर 10 मिनट के लिए दे के दम दे दें, और फिर जब आप उसको हटा के तब वो मसाला डालेंगे तो वो टिक्का का फ्लेवर आएगा, और अगर वो नहीं करेंगे स्टेप तो वो फिर वो बिरयानी का फ्लेवर आएगा। आप लोग कराची से तो सर्दी लग रही होगी बहुत। हाँ, यहाँ पे बहुत सर्दी है, और यहाँ मेरे पास इतने स्वेटर भी नहीं थे क्योंकि कराची में मैं यूज नहीं करती। वही बताने क्योंकि लाहौर है तो हमें नहीं लग रही मगर आपको लग रही है। चलो थैंक यू जी। कराची से आई थी, मैंने इसे जज कर लिया था क्योंकि स्वेटर, हाई नेक, शॉल और पता नहीं क्या क्या, और स्टिल आप देख सकते मुझे यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा पसीना आ गया है, तो वो कि एग्जर्ट कर रहे हैं तो इस वजह से। लेकिन कराची वालों को तो बेचारों को सर्दी मिलती नहीं है, मगर लड़की ने रेसिपी कमाल बताई है। ऐसी रेसिपी अगर आप भी बताएंगे तो लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना। आपका नाम? हाफिज फुरकान। बेबी आपका नाम बोलती है? नहीं, हरीम फातिमा। आपका नाम? माइस। कौन सी क्लास? ओके चले जी, क्या करते हैं आप? मैं एक्सरसाइज में। ओके, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। चले जी, मुझे बताएं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? आई डोंट नो, आई डोंट नो। कुछ नहीं, मैं रेसिपी शेयर करूँगी नूडल्स के पकौड़े की ना। आप आलू अलहदा से उबाल कर, नूडल्स अलहदा से उबाल कर, चिकन अलहदा से उबाल कर, चिकन के बिल्कुल रेशे कर लेने, और आलू भी अच्छे तरीके से मैश करके उसको अच्छे दोनों को अच्छे से मिक्स करके, नूडल्स नहीं मिक्स करने, उसमें अंडा डालकर, ब्लैक पेपर डालकर, नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, और जो नूडल्स का शाशी है वो भी डालकर मिक्स कर लें। लास्ट में नूडल्स डालकर एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको फ्राई करें, अल्लाह पकौड़े बनते हैं। मेरे बहुत फेमस हैं पकौड़े। थैंक यू। नाइस। अच्छा, जो एंड में आपने कॉर्नफ्लोर डाला तो वो मिक्स कैसे होगा? हैंड से मिक्स करना ना, बीच में एक एग भी डालना है आपने। तो ये आपने बताया नहीं ना, लोग गड़मस मचा देंगे। दोबारा से बताओ। नूडल्स और आलू, अंडा और चिकन, इनको मिक्स करना है अच्छे से, लास्ट में वो डालना है कॉर्नफ्लोर, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेना है। और नमक मिर्च वगैरह? ओनली ब्लैक पेपर और नमक। अच्छा, वेरी नाइस। चलो आप क्या सुनाएंगे? मैं तो बेगम की बर्थडे आया तो हम तो इनको विश करेंगे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। हम तो इधर बर्थडे ही सेलिब्रेट करने आए हैं। क्या उम्र होगी आपकी? यहाँ 26 होगी। वेरी नाइस। क्या सुनाएंगे आप? सामने देखो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर इन द स्काई। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए शुक्रिया। बहुत प्यारी फैमिली थी, उनकी सालगिरह थी, इंजॉय करने आए थे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी अब से इजाज़त। बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ,
اوکے جی، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ کون سا ہے؟ ہمنگ برڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس کو فریج میں رکھو، جہاں مرضی رکھو وہ ٹھنڈی ہی رہے گی، کیونکہ وہ کھانے والی ہے، تو وہ ہے گرم مسالہ۔ گرم مسالہ ہمیشہ گرم ہی رہے گا، ٹھنڈا مسالہ نہیں بن سکتا، اور اس کے بغیر کھانا بھی مکمل نہیں ہے۔ چلیں، اب ملوں گی آپ سے اجازت۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنا، میرا، ہم سب کا فیوریٹ پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا ہے۔ کوئی اسپیسیفک ٹیلنٹ آف دا ڈے مجھے نہیں ملا، ہاں مگر وہ جو لڑکا تھا جس نے گانا گایا تھا دل دیاں گلاں، وہ نائس تھا، اچھا تھا، تو آئی تھنک وہی ہوگا۔ تو میں آپ سے لوں گی اجازت، پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھیں۔ مجھے اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔